नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्टडी न्यूज़ आज इस न्यूज़ के सेगमेंट में हम लोग न्यूज़ देखेंगे जिसमें पहली खबर है न्यूज़ीलैंड पर तीन एक की जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने वापसी की है एफ महिला हॉकी टीम ओलंपिक क्वालिफायर में पहुंच गई है रांची से खबर है कि भारत ने न्यूजीलैंड को तीन एक से हरा कर FIH महिला ओलंपिक क्वालिफायर में दूसरे मैच में अपनी पहली जीत दर्ज की है उसे अमेरिका के खिलाफ एक दिन पहले जीरो एक से हार मिली थी रविवार को खेले गए अन्य मैच में अमेरिका ने इटली को दो जीरो से हरा कर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में अपनी दावे को मजबूत कर दिया है अमेरिका की ओर से एशले सेसा ने बीसवें मिनट में और एशले हॉफमैन ने अड़तालीसवें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को भुनाकर टीम की ओर से गोल किए अन्य मैच में चिली ने चेक गणराज्य को छः जीरो से हराया इसी बीच खबर है कि एफ ने सट्टेबाजी से जुड़े फैसले का बचाव किया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने स्वीडन स्थित सट्टेबाजी फर्म स्प्रिंग मीडिया के साथ चार साल के लिए भागीदारी करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि यह खेल के विकास के लिए धनराशि जुटाने का एक जरिया है एफ आई एच ने हाल ही में स्प्रिंग मीडिया के साथ साझेदारी की है ताकि खेल प्रशंसकों को एक सट्टेबाजी पैकेज की पेशकश की जा सके जिसमें इसके सभी टूर्नामेंट शामिल होंगे जिनमें चार साल में 1300 से अधिक मैच होंगे अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर सात्विक और चिराग मलेशिया ओपन में उपविजेता हुए भारतीय स्टार बैडमिंटन जोड़ी को फाइनल में चीनी युगल से कड़े संघर्ष से मिली हार क्वालाम्पुर से खबर है कि सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग सेट्टी की जोड़ी को मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में उपविजेता रहकर संतोष करना पड़ा भारतीय जोड़ी को फाइनल में चीन की शीर्ष वरीय जोड़ी लियांग वेई कैंग और वांग चांग के हाथों कड़े संघर्ष में 21 नौ 18-21 और 17-21 से हार मिली सात्विक और चिराग ने फाइनल में ऐसी आक्रामक शुरुआत की कि लगा कि उनकी झोली में करियर का दूसरा सुपर एक हज़ार खिताब आने जा रहा है लेकिन चीनी जोड़ी ने बेहद शानदार खेल का प्रदर्शन किया भारतीय जोड़ी पहला गेम जीतने के बाद निर्णायक गेम में ग्यारह सात की बढ़त पर थी लेकिन यहां से सात्विक चिराग मैच पर पकड़ कायम नहीं रख सके बीते वर्ष कुल छः खिताब जीतने वाली भारतीय जोड़ी अब अपना अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहे इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में आगे बढ़ाएगी सात्विक और चिराग ने कहा है कि वे दोनों मैच के अंत में काफ़ी दबाव में खेले जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की लेकिन आशा करते हैं कि हम अगली बार उनसे बदला लेने में सफल रहेंगे यह भारतीय जोड़ी की लियाम और वांग के हाथों चौथी हार है दोनों को अंतिम चार भिड़ंत में से तीन में हार का सामना करना पड़ा है सात्विक और चिराग ने इस जोड़ी को 2023 के कोरिया ओपन सुपर 500 के फाइनल में हराया था अगली खबर है कि बेल्जियम के पूर्व पीएम बोले भारतीय और भारत यूएन में स्थायी सदस्यता का हकदार है बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री यवेश लेट्रमे ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाए जाने की पुरजोर वकालत की है लेट्रमे ने एक साक्षात्कार में कहा कि यूएनएससी को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने की आवश्यकता है उन्होंने बहुपक्षवाद में भारत की अधिक सक्रिय भूमिका की जरूरत बताते हुए कहा कि यदि सुरक्षा परिषद में भारत ब्राजील को भी शामिल किया जाता है तो परिषद के कार्यों की वैधता बढ़ जाएगी अगली खबर ट्रंप ने रामास्वामी पर लगाया कपटपूर्ण अभियान चलाने का आरोप वाशिंगटन से खबर है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार की दौड़ में शामिल अपने प्रतिद्वंदी विवेक रामास्वामी की पहली बार सार्वजनिक तौर पर आलोचना की है उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतवंशी उद्यमी नामांकन हासिल करने के लिए कपटपूर्ण अभियान चला रहे हैं रामास्वामी साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रहे हैं इसी प्रकार खबर है कि ट्रंप ने लगातार अपने दूसरे राष्ट्रपति बनने के उम्मीद पर रामास्वामी को हटाने के लिए हर पुरजोर घोषित कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं खबर की ओर आज सेना दिवस है सुबह सुबह परेड हुई शाम को सौर संध्या होगी लखनऊ से खबर है कि सेना दिवस सोमवार को मनाया जा रहा है सुबह छावनी के गोरखा राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में परेड का आयोजन किया गया वहीं शाम को सूर्य खेल परिसर में शौर्य संध्या होगी जिसमें सेना व वायुसेना के जाबाज अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि पहली बार लखनऊ में सेना दिवस का आयोजन हो रहा है मुख्य आयोजन सोमवार को हो रहा है सोमवार को सेना दिवस परेड गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के प्रांगण में हो रहा है जिसकी सलामी थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे लेंगे इस मौके पर पंद्रह जाबाजों को सेना मेडल गैलेंट्री प्रदान किया जा रहा है इसमें चार को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है वहीं शाम को सूर्या खेल परिसर में शौर्य संध्या होगी जिसमें मिलिट्री डिस्प्ले रहेगी मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे वहीं थल सेनाध्यक्ष व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित सेना के अफसर मौजूद रहेंगे शौर्य संध्या में हो ये कार्यक्रम जिसमें रिमाउंट वेंटेनेरी कोर की ओर से घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा वायुसेना की ओर से सुखोई का फ्लाई पास्ट होगा माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट होगा सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर सारंग होंगे सिग्नल कोर की डेयर डेविल्स टीम के हेरंत अंगेज करतब होंगे सेना के हथियारों की प्रदर्शनी होगी अब बढ़ते हैं आखिरी और अंतिम खबर की ओर नासा में प्रवेश की राह जानने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है नासा में शामिल होने के लिए आपको तैयारी प्राइमरी लेवल से ही शुरू कर देनी चाहिए रिपोर्ट है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा वह एजेंसी है जिसमें शामिल होने की इच्छा देश विदेश में विज्ञान विषय पढ़ने वाले तमाम युवाओं की होती है साइंस व स्पेस क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं के लिए नासा में प्रवेश किसी सपने से कम नहीं है देश विदेश के हाई प्रोफाइल इंजीनियर्स डॉक्टर्स साइंटिस्ट्स एस्ट्रोनॉट्स और रिसर्च प्रोफेशनल्स के रूप में कई प्रयासेवर नासा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन इस प्रतिष्ठित स्पेस एजेंसी से जुड़ने के लिए युवाओं के मन में कई सवाल होते हैं जैसे नासा में शामिल होने के लिए कैसे योजनाबद्ध तरीके से शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा किया जाए व किन रणनीतियों को अपनाए जाए ताकि नासा में करियर बनाने का सपना साकार हो सके यूएसए की विश्व प्रसिद्ध स्पेस एजेंसी नासा में शामिल होने के लिए आपको इसकी तैयारी प्राइमरी लेवल से ही शुरू कर देनी चाहिए यानी यदि आप भारत में रहते हैं और नासा के बतौर इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट इत्यादि के रूप में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस और एयरोस्पेस स्ट्रीम में देश या विदेश किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक स्नातकोत्तर व पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए अमेरिकी नागरिकता की शर्त को आसान करने के लिए यूएसए की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक में डिग्री होना जरूरी है अगर आपने किसी अमेरिकी संस्थान से परा स्नातक या पीएचडी की डिग्री हासिल की है या आप इसमें अध्ययनरत हैं तो भी आप नासा में अवसरों की तलाश कर सकते हैं इस माध्यम से यूएसए में रेजिडेंस और एम्प्लॉयमेंट दोनों मिल जाती हैं इन सभी अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करने के पश्चात उम्मीदवार एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट और अन्य ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए नासा द्वारा आयोजित परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं नासा के अनुसंधान कार्यों में शामिल होने के लिए भारतीय छात्र पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम जिसे एन के लिए आवेदन कर सकते हैं एन में आवेदन के लिए छात्रों के पास डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए वहीं नासा में प्रवेश के लिए अन्य विकल्प भी, भी मौजूद हैं जैसे नासा के इंटरनेशनल स्पेस पार्टनर्स के साथ विदेशी नागरिक नासा में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं नासा का आई विश्व के सभी देशों में है और यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी भी करता है आई इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ स्पेस शटल फॉरन स्पॉन्सर्ड मिशन और भविष्य में शुरू की जाने वाली स्पेस स्टेशन के लिए भी कार्य करता है तो ये थी आज की प्रमुख खबरें आई होप आपको हमारे न्यूज़ सेगमेंट पसंद आते होंगे अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें धन्यवाद